मेरा सवाल है, मेरा एक फ्रेंड का वो जो चिकन का शॉप है ना, दुकान है, तो जी उसका क्वेश्चन है कि वो तो डेली हर रोज चिकन कट करता है, तो वो सही है या गलत है? मतलब डेली हर रोज चिकन कट करता है। चिकन का शॉप है तो उसे लगता है जो हर रोज हमें चिकन रोज मुर्गी को मारता हूँ, ये कैसा लगता है, वही वो सही है ठीक है, या गलत ठीक है, सवाल है? वाजे है भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी इससे पहले वाले जवाब में मैंने अर्ज किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इस दुनिया में भेजा, और इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी हजारों चीजें बनाई जी हमारे फायदे के लिए, हमारे खाने पीने की चीजें बनाई, रहने के लिए चीजें बनाई, कपड़ा पहनने के लिए अच्छे कपड़े बनाए, बहुत सारी चीजें, वो तमाम चीजें हम इंसानों की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने बनाया, वो चीजें हमारी खिदमत करती हैं, हमारी गिजा और खुराक का बंदोबस्त अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ शक्लों में किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे जानवर ऐसे बनाए जो जिन्हें हमारे लिए खुराक बनाया है, उस उन जी जानवरों का काम ही है, उनका वजीफा ही यही है कि वो इंसानों की खिदमत करें। भाई आप कहते हैं इंसान अशरफुल मखलूकात है, इस दुनिया में जितने मखलूक जी हैं सबसे अशरफ है, यानी दूसरी जो मखलूकात हैं वो इंसानों की खिदमत के लिए बनाई गई। तो बहुत सारे जानवर अल्लाह ताला ने बनाया कि वो हमारी गिजा बने, बहुत सारे जानवर बनाए कि वो हमारी सवारी बने, बहुत सारी चीजें, तमाम चीजों के अपने अपने फवायद हैं। तो ये जो खाने वाले जो जानवर हमारी शरीयत ने हमारे लिए जिनका खाना हलाल करार दिया है, ये दरअसल हमारे और आपके लिए ही बनाए गए हैं। तो आप जी ऐसा ये ना सोचे कि वो जानवर के अंदर जान है तो मैं उसको जबा, अरे उसका काम ही वही है भाई। ये पेंसिल है, इसको इससे जी हम लिखते हैं तो ये घिसती है कि नहीं? तो क्या बिल्कुल हम कहेंगे कि इसको अजाब दे रहे हैं, घिस रहे हैं रोजाना? भाई इस पेंसिल की इज्जत यही है कि इसको इससे लिखा जाए और उसको घिसा जाए, और उसको इसकी इज्जत शॉपनर यही करेंगे तो है। छोटी भी हो जाती है शेख। हाँ, और इसको इसकी इज्जत यही है कि इसको शार्पनर किया जाए और इसको इससे लिखा, अगर इसको ऐसे रखा जाए तो इसकी बेहुर्मती है, इसको इसके जी काम में लाया जाए। तो जिन जानवरों को के का वजीफा अल्लाह ताला ने जो बनाया है, वो वजीफा और वो काम उनसे लिया जाए, यही उनकी इज्जत है। तो जब जी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुर्गी को हमारे लिए खाने के लिए बनाया है, अगर आप उसको नहीं खाते हैं तो ये नेमत का एक तरह से कुफराने नेमत है। तो मुर्गी की इज्जत और उसका एहतराम इसी में है कि उसको इज्जत के साथ ज़बह करके खाया जी जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इसी काम के लिए बनाया है। जी वाजह है शेख जी। मुजम्मिल भाई, शेख, उम्मीद है आपका जवाब। और एक क्वेश्चन, जी और एक बोलिए। बात और मैं एक बात और मैं ऐड कर दूं यहाँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे इंसान की जान है तो भाई मुर्गी के अंदर भी जान है, उसकी जान कैसे ले सकते हैं हम? पहली ठीक ठीक बात ऐसा तो बोलते हैं इस तरह के लोग जो है जी। हिपोक्रेट होते हैं। अभी वो उन लोगों ने, साइंस ने खुद ये साबित कर दिया है कि दुनिया के जो दूसरी चीजें हैं जो बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं, सब्जियां वगैरह, उनमें भी जान है। तो भाई अब क्या जी करोगे, सब्जियों को भी खाना बंद कर दो ना, चावल दाल और जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं जो जमीन से उगती हैं, सब में जान है। तो अब या तो आप जी उनको भी खाना बंद कर दो, है जी उन जी सब्जियों को अल्लाह ने इसीलिए बनाया है कि उसे खाओ, अगर जी उसे नहीं खा रहे हो तो उन सब्जियों की बेइज्जती है। और ऐसे तो तो इसीलिए जिन जिन जानवरों को खाने के लिए बनाया गया है उसको उसीलिए बनाया ही गया है।